यूपी के रामपुर में एक शादी के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है। घटना करीब 8 दिन पहले की है, जब इलाके के एक होटल में शादी हो रही थी। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी थी। गोली चलाने वाला युवक उत्तराखंड के रुद्रपुर से विधायक का प्रवक्ता है और मरने वाला युवक उसके पड़ोस का ही रहने वाला है। शुरू में आरोपी उपल दीक्षित के राजनीतिक रसूख को देखते हुए पुलिस मामले को हल्के में ले रही थी और उसने दीक्षित पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन मृतक हिमांशु अरोड़ा के परिवार ने शादी की वीडियो निकलवाई और इसे पुलिस को सौंप दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपल ने हिमांशु पर निशाना साधकर गोली चलाई। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है।